क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। ओम गण गणपते नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएगी। रुक जाइए पंडित जी, फेरा नहीं होगा। हमें लड़की का चेहरा देखना है। मंडप सजा है, बारात बैठी है, शादी की तकरीबन सारी रस्में निभाई जा चुकी, बस फेरे लेने बाकी है। इस बीच अचानक एक इंसान उठकर ये बोलता है कि वो दुल्हन का मुखड़ा देखना चाहता है। आखिर क्यों, किस बात का शक है उसे? क्या उसने पहले दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था? क्या वो ये शादी तोड़ना चाहता है, किसी से बदला लेना चाहता है, या फिर मामला कुछ और है? कितनी ब्यूटीफुल लग रही है मेरी दीदी। सुनो, हमें बहुत घबराहट हो रही है। इसमें घबराना क्या दीदी, सिर्फ 3-4 सवालों का जवाब देना है, कौन सा यूपीएससी का इंटरव्यू देना है। बहुत ही प्यारी लग रही हो आप। चल बेटा। चलो दीदी। अरे तू कहाँ चली? क्यों तू बैठी इधर ही? लड़की देखा देखी में सुंदर लड़कियां नहीं जाती है, इससे लड़के वालों का मन बदलने का डर होता है। हम नहीं चाहते हैं जो हम झेले हैं वो हमारी बच्ची भी झेले। चल बेटा। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मुना कुमारी। कहाँ तक पढ़ी है बेटा? जी बीए ऑनर्स। बेटा ज्योति उतार कर हमारे पास आके बैठ जाओ। मुना, रुको जरा। क्या कर रही है नेहा जी? ये देखिए। अरे आप लोग क्या समझ रहे थे कि हीरे के भाव में कोला बेच देंगे तो हम ले लेंगे? अंधे हैं क्या हम लोग? शर्म नहीं आती आप लोगों को? सारे आम धोखाधड़ी कर रहे हैं आप लोग, हाँ? अरे आपकी बेटी को तो हम अपने घर की बहुरानी तो क्या नौकरानी तक भी नहीं बनाएंगे, समझे आप? चलो तमाशा बना के रख दिया हमारा, संभाल के रखो इसको। चल आजा। भगवान ने क्या लिखा है मेरे मोना के किस्मत में, इसको भी हमारा ही रंग मिलना था। अपने पिताजी के रंग पे क्यों नहीं गई? मैं पिताजी के रंग पे चली जाती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कितनी बेइज्जती लिखी है मेरी किस्मत में, आज 5वां लड़का नापसंद करके गया इसको। क्या हो गया मेरी मोना का?
तुम चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक तरकीब है। आपका नाम क्या है बेटा? सोना, सॉरी मोना, मोना कुमारी। ए बेटा कहाँ तक पढ़ी हो? बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी। भाई तुम्हें कुछ पूछना तो पूछो। जी आपकी हॉबीज क्या है? हमें ना गाना गाना बहुत पसंद है और अच्छी जगहों पर घूमना। गाना और अच्छी जगह पर घूमना। आपका फेवरेट कलर? स्काई ब्लू, आसमान का रंग, क्योंकि हमें भी ना सोना आसमान की तरह बड़ा और विशाल बनना है। स्काई ब्लू। आपको घूमने के लिए कौन सी जगह पसंद है? बर्फीली जगह जहाँ चारों तरफ दूधी और बर्फ फैली हो, और जैसे कश्मीर, जैसे मनाली, नैनीताल। बर्फीली जगह। ओके। हाँ भाई अंकित, लड़की पसंद है ना? जी। ओम गणपतये नमः श्री शिवाय नमः सुभ्यम। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएगी। रुक जाइए पंडित जी, फेरा नहीं होगा। हमें लड़की का चेहरा देखना है। देखिए हमारे खानदान में दुल्हन मंडप पे चेहरा नहीं दिखाती, ये हमारे परंपरा और शान के खिलाफ है। लेकिन हमें लड़की की सूरत देखे बिना फेरे नहीं होने देंगे। आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो समधी जी। अगर आपकी बेटी के साथ ये सब होता तब क्या करते आप? हम कुछ नहीं जानते। अजीत बाबू ये सब ठीक कह रहे हैं, बात को आगे मत बढ़ाइए, शादी संपन्न होने दीजिए। पंडित जी आप फेरे शुरू कराइए। जी जरा दुल्हन का मुंह तो दिखाइए। हाँ हाँ भाई अभी दिखाते हैं। हाय राम! क्या हुआ नानी? तुम कौन हो और कहाँ से चली आई? कौन है ये? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी हम मोना हैं, हमारे यहाँ शादी हुई है। तुम मोना कैसे हो सकती हो? मोना को हम सबने देखा है। देखो कोई गड़बड़ हुई है, तुम गलती से यहाँ आ गई हो, तुम कोई और हो। तुम्हारे पति का नाम क्या है? जी अंकित। तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? अजित सिंह। ये नहीं हो सकता, आप बोले ना। यानी कि मंडप में हमें जो खबर मिली थी वो सही थी? उस वक्त तो इसके घर वाले बाजी मार लेंगे, लेकिन वो गोरी लड़की कौन थी जिसे हमें दिखाया गया था? गोरी लड़की? गोरी लड़की तो हमारे घर में एक ही है, सोना, हमारी छोटी बहन।
आपका नाम क्या है बेटा? सोना, सॉरी मोना, मोना कुमारी। अच्छा, तो ये खेल तुम्हारे घर वालों ने खेला है? हाँ? हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं तेरी धरती पर? क्या मतलब, इस खेल में तुम भी शामिल थी ना? नहीं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम सच कह रहे हैं माँ जी, हमें तो ये बताया गया था कि हमें हमारे सांवले रंग के साथ ही स्वीकारा गया, हमारी पढ़ाई की वजह से। हाँ हाँ, बड़ी कलेक्टर है ना तू, तो अपने भाई को बोल दे अचल कोठरी को ले जा अपने घर, कचरा पट्टी नहीं है हमारा घर, नहीं तो हम कह देते हैं किसी नदी नाला में फेंक देंगे तुझे, समझी? चल भाग यहाँ से, चल भगाओ जा यहाँ से। माँ, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? माँ, इससे अच्छा तो जहर देके मार देते हो हमें। सुनो, तुम्हें यहां से जाना होगा, समझी? अंकित जी, हमारी शादी हुई है आपके साथ, पति है आप हमारे, अब तो जीना मरना इसी घर में होगा, आप ही के साथ। ये शादी नहीं है, धोखा धोखा, और इस दुखी के साथ हम दोनों इस घर में एक साथ नहीं रह सकते, समझी? चलो। अंकित जी, ऐसा मत करिए, कहाँ जाएंगे हम? अरे, तुम्हारे पूरे परिवार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होना चाहिए। शुक्र मनाओ वो मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो। अरे चलो, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। वालों को मोना दीदी की जगह तुम्हें दिखा दे। नहीं भैया, हमसे ही नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। तू नहीं चाहती तेरी बड़ी बहन का घर बस जाए? भैया, हम मोना दीदी के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन ऐसा करने से उनकी जिंदगी और खराब हो जाएगी। सुना,
तुम्हें भी इस बारे में पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कितना भरोसा करते थे हम तुम पे। अपनी छोटी बहन के साथ साथ अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। अगर एक बार भी इशारा कर देती ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, हम वहां नहीं जाएंगे। जाना तो तुम्हें पड़ेगा मुना। किसी से जाए भैया, उन लोगों ने हमें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है। तो भेजने से अच्छा तो आप हमें यही गला दबाकर मार दीजिए। नहीं दी, आगे दी आप। मुना, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी वजह से सोना की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। और आखिर कब तक हम दो दो बहनों को घर पे बैठा कर रखते हैं? और तुम वापस नहीं गई ना तो समझ लेना तुम सोना की जिंदगी से भी खेल रही हो। एक लड़के से इसकी शादी की बात चल रही है, बेटा सही कह रहा है अविनाश कि हमने बहन की जिंदगी से खेलना चाहते हैं। हमको देख, तुम्हारे पापा हमको कितना धुतकारते थे, लेकिन एक दिन रोग आके हमको अपना ही लिए वो। एक दिन तुम्हें भी वो लोग अपना लेंगे बेटा। अगर अपना ना होता तो हम भगाते हैं क्यों? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, वो लोग तुमको जरूर अपना लेंगे। लोकतांत्रिक समाज में सिर्फ रंग के आधार पर किसी की उपेक्षा करना, क्या ये उचित है? ये उपेक्षा मोना को किस हद तक ले जाने वाली है, इसका उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ये आपके लिए शादी का गिफ्ट। बच्चे नहीं हैं, जो खिलौना दिखा के हमें बेला फुसला लोगे। धोखा दिया आप लोगों ने हमें। अरे बेटा क्या कर रहे हो? अरे ये कोई खिलौना नहीं, सचमुच वाली कार है। आई हुई लक्ष्मी को टुकराते नहीं। अल्लाह बड़ा, चाबी मुझे दे दो। मोना, अब आज से यही तुम्हारा घर है, तुम्हारा जीना मरना सब यही होगा। जा संभालो अपना घर। चलो मम्मी को अंदर चलते हैं। Thank you.
देखिए अभी तक जो भी गलतियां हुई उसे भूलकर मेरी बहन को स्वीकार कीजिए। अब ये आपके घर की इज्जत है, आपकी बहू है। अच्छा मैं अब चलता हूं। आप इसे अंदर ले आए, अब आप भी रखिए इसे, मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। अरे बेटा अपनाने के लिए कौन बोल रहा है, इसे बीवी मत बना, लेकिन नौकराई तो बना सकता है ना। आपको जो बनाना बनाइए इसे, मैं जा रहा हूं यहां से अभी, मेरा कोई मतलब नहीं इसके साथ, समझे आप। अरे सुनो तो, हाँ ऐसे महारानी जी उठिए, सुबह हो गई है, सारा घर का काम पड़ा है, कौन करेगा ये सब, कोई नौकर नहीं है यहाँ आपका, समझे। मैं आपकी हेल्प करूँ मामी? अरे नहीं बाबू, लग जाएगा। कल मुही बच्चे से काम कराती है, शर्म नहीं आती? नहीं नहीं नानी, मैं खुद आई थी मामी की हेल्प करने। चुप कर, मामी की हेल्प करने, ज्यादा बोलेगी ना तो माँ के घर भेज दूंगी, चल यहाँ से, बढ़िया सरदारन बनने। ते इधर बढ़िया नवाब की नातिन, गद्दे पे सोएगी, गद्दा उठाकर वापस रख, समझे। मैथ का एक सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, बता दीजिए ये वाला। वन का यार कुछ समझ में नहीं आ रहा ही। आपको तो कुछ नहीं आता, मामी से पूछ लेती हूँ। अच्छा मामी, वो क्या बताएगी? हाँ बेटा, ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। ये जो स्टार है वो इससे हमें मैच करना है, ठीक है? मुझे अच्छे से समझ में आ गया, मामी ने समझा दिया, आपसे ज्यादा तेज है। संभालिए,
संभाल। हम आपके लिए चाय लाए। मैं यहाँ कैसे आया जी? कल रात आपने बहुत पी ली थी, बिल्कुल होश में नहीं थे, गिर पड़े थे, तो हमने आपको बेड पर सुला दिया था। सुला दिया था? तुम कहाँ सोई थी? आपने हमें जबरदस्ती अपने पास ही सुला दिया था। हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं? तूने मुझे रोका क्यों नहीं? सुन, हमारे बीच जो भी कुछ हुआ ना, उसे सच मानने की कोशिश मत करना, समझी? सब भूल जा, चल। अंकित जी, अरे देवर जी, आप भैया आपके पास आते नहीं तो सोचा हम ही आपका दिल बहला दें। आपके भैया को तो न जाने क्या दुश्मनी हमसे। तो भाभी जी, यह तो दुश्मनी निभाने दीजिए ना, हम आपके साथ दोस्ती निभाएंगे। अच्छा, वैसे भाभी देवर की दोस्ती तो सदियों पुरानी है। तो चलिए फिर दोस्ती बढ़ाए। हाथ हटाइए। हम चुप रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करोगे। रुकिए, अभी घर वालों को बताते हैं। भाभी, भाभी हमें माफ कर दी, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें माफ कर दी। तुम लोग एक औरत को समझते क्या हो? क्या वो केवल एक भोग करने वाली वस्तु है? हाँ, क्या उसका कोई मन नहीं, कोई पसंद नापसंद नहीं? यही पढ़ाई की है तुमने? सॉरी बोला तो मैंने। निकलो, हमारे कमरे से निकलो अभी।
हंकर भी चढ़ गई है तुझे। हाँ? नहीं आता पास में, मेरे छोटे बेटे में डोरे डाल रही है। अब उसे क्या देख रही है, मारेगी क्या? आज के बाद अगर ऐसी हरकत की ना तो धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। हाजी, हमने कुछ नहीं किया। चुप, एकदम चुप। ज्यादा जुबान खोली ना तो मुंह सिल देंगे। जा, जा यहां से। अरे जा ना। माये नरक है नरक, ये घर नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो और धैर्य रखना तू। और मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। कैसे भी करके तू अंकित के बच्चे की माँ बन जा। अगर तू एक बार अंकित के बच्चे की माँ बन गई ना तो तुझे उस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। तू समझ रही है ना? हम अरे पानी देना। जाते हैं आपको। इसका पाप लेकर घूम रही है अपने पेट में। नहीं माँ जी, हम मुंह काला करके आई। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। कहीं मुंह काला नहीं किए। ये अंकित जी का बच्चा। बेहया, तलमुही, मेरा बेटा तू जैसी तलमुही के मुंह लगेगा। ये मेरा बेटा तो तू जैसी कुलचनी पे थूकेगा भी नहीं। थू, चल निकल। हमारी बात सुनिए माँ जी, हमारे क्या हुआ? पता नहीं किसका बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही है और नाम तुम्हारा बदनाम कर रही है। हमारी बात सुनिए अंकित जी, हमारी बात सुनिए अंकित जी। हमें ये बच्चा नहीं चाहिए और तुम्हें तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा, समझे? नहीं गिराएंगे। आप हमारे साथ जबरदस्ती करते रहे, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इसके साथ हम जबरदस्ती होने नहीं देंगे। हमारा है, हमारे कोख में पल रहा है, तो इसके साथ क्या करना है इसका फैसला भी हमारा होगा। मैं ब्लैकमेल कर रही हूं उनको। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। अगर आज तुम वक्त पे नहीं आती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी भी।
अक्का जी आप मत माफी मांगी, आप लगेगा हमें। जीजा जी बदल गए सोना। वाह सच में वो हमसे प्यार करने लगे हैं। तुम ऐसे ही खुश रहो, हम सब यही चाहते दीदी, ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, खिलखिलाती रहो। हम बाद में बात करते हैं। अरे मूरख, हम यहाँ तेरी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं और तू है कि बच्चा पैदा करने की बात कर रहा है हा? अगर बच्चा हो गया तो वो यही बस जाएगी और फिर नौकरानी से रानी बन जाएगी। माँ ये उसका भी घर है तो यहीं बसेगी ना, और मेरी पत्नी है वो, नौकरानी क्यों बनेगी, रानी बनकर रहेगी यहां पे। अरे क्या बोल रहा है? लगता है मेरे बेटे पे उस काजल कोठरी ने काला जादू कर दिया है। तू कुछ भी कर ले बेटा, मैं उसे इस घर से निकाल के रहूंगी, जिंदा मरता। आजकल घूमने फिरने का मन नहीं करता तुम्हारा? करता है ना जी। तो चलो चलते हैं कहीं। सच्ची? चले बहुत प्यारा गाती हैं, बहुत। सोना को फोन करके अभी बताते हैं कि तुम्हारे जीजा जी के साथ नैनीताल घूमने जा रहे हैं। अंकित जी कौन है ये लोग? पता नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। जीजू हेलो दी, दी आप ठीक है ना? हेलो 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 दी, अंकित इधर बोल रहा हूँ, उधर गाड़ी लेके चल। चल तो आपको बैठ, गाड़ी लेके चल। अंकित जी बैठ, चल तो बैठ, चल तो चल तो चल तो आवाज बंद कर। सर मेरी बीवी का अपहरण हो गया सर, सर चलिए सर प्लीज, सर चलिए। कब और कहां पर? सर पास वाले हाईवे पे हुआ सर। कितने लोग थे? सर दो लोग थे और सर पता नहीं सर वो बाइक से आ रहे और उन्हें सामने आके मेरी गाड़ी में के बैठ गए सर। सर उन्होंने चाकू दिखाया मुझे, गाड़ी से बाहर निकाल दिया सर। सर आप चलिए सर प्लीज, गाड़ी निकालो चलो। सर गाड़ी पे लाश है। खोलो इसे। कैसे हुआ? जानते हो तुम्हारी पत्नी को किसने मारा? किसने मारा बताओ मुझे, किसने मारा? तुमने।
क्या बकवास कर रहे हो आप? जिसमें तुम्हारे सारे परिवार वाले शामिल हैं। धीका कॉल आया था, मैंने तुरंत उठा लिया, पर धीका आवाज नहीं आ रहा था, तो मैं फोन रखने वाली थी कि मैंने ये सुना। काली कलूटी, काजल की कोठरी, तुझे क्या लगा कि मैंने तुझे अपना लिया? हाँ, तेरी वजह से ना मेरी जिंदगी मजाक बन के रह गई है। दोस्तों के बीच, घर वालों के बीच, गली में, मोहल्ले में, कि आज आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे पकड़ इसको। ले चलो इनको थाने। अंकित कैसा इंसान था? जिस औरत ने उसकी जान बचाई उसने उसी को मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काली थी। मोना के सास ससुर और उसका देवर अंश कैसे पत्थर दिल इंसान थे। कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है जैसे इन लोगों ने मोना के साथ किया। खूबसूरती किसी रंग की मोहताज नहीं होती, क्योंकि दुनिया के सारे रंग खूबसूरत है, फिर चाहे वो काला ही क्यों ना हो। प्रकृति ने जिसे भी रचा है वो सुंदर है, बस हमारे देखने का नजरिया उसे अच्छा या बुरा बनाता है। काले रंग के प्रति उपेक्षा का ये नजरिया बना कैसे? क्या ये हमारी हीन भावना को दर्शाता है? सदियों तक अंग्रेज हम पर राज करते थे जो गोरे थे, कहीं ये लोग इस हीन भावना को हमारे दिल के अंदर डालकर तो नहीं गए? काला होना कोई अपराध नहीं, तो फिर इन लोगों के प्रति हम अपराधियों की तरह व्यवहार करते क्यों हैं? इस अपराध के लिए अंकित के साथ साथ मोना के सास ससुर और उसके देवर अंश को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके गुनाह के अनुसार उन्हें सजा भी दी गई। हम आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसे हीन भावना से आप बचिए और लोगों को भी बचाइए। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।